संस्कार परिवर्तन से ही होगा संसार परिवर्तन, और हर आत्मा का अपना अपना संसार है। हम बच्चों ने भगवान को ज्ञान से जाना, परंतु लोग हमें हमारी वाइब्रेशंस से जानेंगे।
कहते हैं कि वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो जो डीप रूटेड थॉट्स होती हैं हमारे अंदर, उनसे वाइब्रेशंस निकलती हैं और उससे फिर ओरा बनता है हमारा, और उस ओरा से ही वायुमंडल बनता है। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ अपना जीवन सफल बनाओ। शिव बाबा की समझाने को अगर हम दिल से स्वीकार करते हैं तो वो अंदर चली जाती है, और यदि हम उसे दिमाग तक ही रखते हैं तो वो बाहर ही घूमती रहती है, अर्थात भीतर समाती नहीं है, क्योंकि दिमाग में होती है उलझाहट और दिल में है सिंप्लिसिटी। इसीलिए दिल की आवाज जो है वो एक होती है, और दिमाग की बहुत सारी होती हैं। जहां बहुत सारा है वहां उलझाहट है, जहां एक है वहां उलझाहट का मतलब ही नहीं है। बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा, आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई, खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक्सेप्ट कर लेना अर्थात स्वीकार कर लेने का मतलब ही होता है समझ आ जाना,
इसीलिए हम हर हाल में हर चीज एक्सेप्ट कर अपनी स्थिति में स्थित रह सकते हैं, अर्थात अपने मन को स्थिर, स्टेबल और शांत रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज बड़ी नहीं है, परमात्मा बाप बड़ा है। कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं है, परमात्मा बाप बड़ा है। कोई भी बात बड़ी नहीं है, परमात्मा बाप बड़ा है। कोई भी संबंध बड़ा नहीं है, परमात्मा बाप बड़ा है। कैसी भी तन की तकलीफ हो, वो बड़ी नहीं है, परमात्मा बाप बड़ा है। ये एक्सेप्टेंस हमें जब आ जाती है, तब फिर परमात्मा बाप अपने आप ही अपना कार्य करवा लेता है। लेकिन जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आती है, अर्थात हम अपनी मन बुद्धि से परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं होते, तब तक बाप भी नहीं करवा सकता। क्योंकि चाहे कोई कार्य असंभव है, हम नहीं कर सकते। परंतु जब तक उस कार्य को आप परमात्मा बाप को समर्पण नहीं करते, तब तक बाप भी उसे नहीं कर सकता। इसीलिए हर बात की एक्सेप्टेंस और फिर समर्पण ही स्वयं को हर परिस्थिति में विजयी बनाने का आधार है। जान लेना और दूसरा है मान लेना, दोनों में बहुत फर्क है। जानते तो बहुत लोग हैं, पर मानता कोई नहीं है। सब जानते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु मानना मतलब अप्लाई कर लेना अपनी लाइफ में, अर्थात उसे कर्मों में ले आना। खाली जानने से नहीं होता, मानने से होता है अंदर तक। क्योंकि इंसान मानता है दिल से और जानता है दिमाग से, तो जितना जो मान लेता है उतना वो हर चीज को लेकर अवेयर हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, एक भिखारिणी जब राजकुमारी बन गई, महल में चली भी गई, वस्त्र भी बदल लिए, परंतु इससे वो राजकुमारी थोड़ी ना बन जाएगी। क्योंकि वो जानती है, लेकिन वो मानती नहीं है अपने आप को कि मैं राजकुमारी हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो संस्कार है वो राजकुमारी के नहीं है। तो पहले होता है जानना, फिर होता है मानना। इसी तरह जैसे शिव बाबा हमें स्वमान दिलाता है कि हम विजयी रतन हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, परम पूज्य आत्मा हैं, सच्चे वैष्णव हैं,
तो हम यह जानते तो हैं, परंतु जानने के साथ साथ बाबा हमारे को महसूस करवाता है अपने संपर्क से, अपनी समीपता से कि हम ही हैं। और जैसे जैसे हम इसका अभ्यास और अनुभव बढ़ाते जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो जानना है वो मानने में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, अर्थात हमारे अंदर से संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। फिर हम मान जाते हैं कि मैं ही हूँ, कि सच में ही मैं हूँ और कोई हो ही नहीं सकता। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। जीवन का हर पल जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना सब अपनी सुनाते रहे, ना मेरी सुन पाए। सब अपनी सुनाते रहे, ना मेरी सुन पाए। तुम के मुझे भगवन इस धरती पर आए, मेरे स्नेह भरे दिल को तुमने पहचाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। परमात्मा प्रेम का सागर है, प्रेम ही विस्तार है जिसमें सारा बेहद समा सकता है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसकी बुद्धि तो खोखला ज्ञान उठा सकती है, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। वो ज्ञान को खुद के लिए यूज नहीं कर सकता, वो ज्ञान को भी अभिमान में यूज करेगा, परिवर्तन में नहीं यूज करेगा। ज्ञान से किस तरह अहंकार को बढ़ाएं वो यह सोचेगा, इस ज्ञान से खुद का परिवर्तन कैसे करूं यह नहीं सोचेगा। जिसका दिल खुला है वो दिल वाला ही अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, दिमाग वाला अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। गलती को मानना तो अहंकार को तोड़ने के बराबर है। दिल वाला सहज होगा, वो गलती नहीं होगी तो भी बहस नहीं करेगा, बात को खत्म करने की कोशिश करेगा। वो प्रेम को प्रेफरेंस देगा, दिमाग वाला ईगो को प्रेफरेंस देगा। दिल वाला संबंध को प्रेफरेंस देगा, दिमाग वाला सिर्फ अपने अहंकार को प्रेफरेंस देगा। बनके मेरे सतगुरु यार गरीब दा की लेना, मैं अमीर बनके मेरे सतगुरु यार गरीब दा।
मेरे सतगुरु यार गरीब दा, मेरे साईया मेरे साजना, मेरे मौला मेरे रांझना, सब तेरे रिश्ते संग ना, मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही। तेरे नाम तो मंगिया मुरादा, तेरे प्यार दी मिठिया ने यादा, रब्बा तेरे ते जिया मैं, रब्बा तेरे ते मरा, जिंद जान मैं वारी हूं तेरे ते करा, लैना मैं अमीर बन के मेरा सतगुरु यार गरीब दा, की लैना मैं अमीर बन के मेरा सतगुरु यार गरीब दा, मेरा सतगुरु यार गरीब दा, मेरे साईया मेरे साजना, मेरे मौला मेरे रांझना, संग तेरे रिश्ते सब ना, मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे मौला, मेरे माही मेरे मौला।